हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए हमें बेस्ट वेन कैसे चूज करने चाहिए, जिससे कि जो हमारा पेशेंट है उसको पेन फील ना हो। बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे ब्लड सैंपल कलेक्शन में है, तो ब्लड सैंपल कलेक्शन में तो हमारा जो वेन वाला एरिया है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि भाई हमें ब्लड सैंपल कलेक्शन की बात करनी है, तो देखिए जो हमारा ये एरिया है, इसको जो भी ये जो एरिया है इसको हम एंटीक्यूबाइटल फोशा एरिया कहते हैं। अब इस एरिया के अराउंड में हमारी तीन वेन जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन होती हैं और वो सबसे ज़्यादा ही मिलिट्री हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन में, ठीक है। तो अब हमारा जो ये जो हमारा दिल के पास वाला जो एरिया होता है, इधर की साइड वाला, दिल के पास, दिल के नज़दीक रहना दोस्तों, है ना। तो देखिए, अब जो हमारा दिल के पास वाला एरिया है इसको बेसिलिक वेन कहते हैं, ठीक है। जो वेन यहाँ से फ्लो होती है उसको बेसिलिक वेन, और जो बीच में बहती है उसको मीडियन क्यूबाइटल वेन कहते हैं, और जो साइड में होती है उसको सिफेलिक वेन कहते हैं, और जो हमारी मोस्ट कॉमन वेन होती है उसको मीडियन क्यूबाइटल वेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी बात की हमारे मेडिकल की। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, कि जब देखिए, अब जब आप पढ़ने जाते हो ना तो पढ़ने की बात अलग होती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब हम किसी का सैंपल लेते हैं ना तो पसीना छूट जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी का सैंपल लेने जा रहे हो ना, तो एक बात आपके अंदर जरूर होनी चाहिए और वो है धैर्य। अगर आप धैर्य से काम करोगे ना, तो आप काम प्रॉपरली करके आओगे, जेन्युइनली करके आओगे और एक प्रोफेशनल तरीके से करके आओगे, ठीक है। जब भी आपको, मान लीजिए आप किसी पेशेंट के पास जाते हो, तो आपको उस पेशेंट की जो वेन है वो आपको प्रॉपरली फील करनी है। जब भी आप प्रॉपरली वेन को फील करो, जब आपके दिल से आवाज आए ना कि हाँ भाई कुछ तो फील हो रहा है, आपको ब्लड फ्लो को फील करना है अपने हाथ की उंगली से। आपकी हाथ की उंगली से आप सेंसेशन कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर फ्लो चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है। और जब आपको लगे कोई आपके पीछे से भले ही आपसे कह रहा हो कि यार अभी भाई एक बार ट्राई कर ले, एक बार ट्राई कर ले, एक बार कर ले, आप चाहे कितने प्रिक कर लेना, नहीं आएगा। जब तक आपको फील नहीं होगा ना, नहीं आएगा। आपको जब फील होगा कि हाँ भाई हाँ यहाँ पर यार वेन फील तो हो रही है, यहाँ आ सकता है, तो ट्राई करो, ये सबसे बेस्ट वेन है, हाँ तो ट्राई करना चाहिए। अगर आप किसी के कहने पर ट्राई कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, आप किसी पेशेंट का रिस्क ले रहे हो किसी और के कहने पर। आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने ऊपर इसको फील करके उसको देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, आज का एक इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे पास एक पर्सन था, एक पेशेंट था, तो उसके पास कोई पर्सन गया होगा, तो उसने उसका आधे घंटा लग गया, उसको वेन नहीं मिली, उसको आधे घंटे तक पेन करता रहा, परेशान हुआ ना पेशेंट। अगर आप जनरली प्रोफेशनल तरीके से आप जा रहे हो तो आप प्रोफेशनल तरीके से काम भी तो करो। आपको ये देखना चाहिए कि भाई पेशेंट है, आपको पेशेंट वैसे ही परेशान है अपनी बीमारी से, आप उसको और जाके परेशान कर रहे हो, तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं करना है। आपको सबसे पहले उस पेशेंट के पास जाना है। और एक चीज़ जो मोस्ट कॉमन है, वो हर किसी के अंदर होनी चाहिए और हर एक फ्लैबो के अंदर होनी चाहिए, वो है कि आपको कन्वर्सेशन आनी चाहिए अच्छी। आपको पेशेंट को अपनी बातों में उलझा करके रखना है और अपना काम भी प्रोफेशनल तरीके से करना है, और पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा। चाहे आपको 20 मिनट लग जाएं किसी की वेन ढूंढने में, आप उससे कन्वर्सेशन करते रहो। आप उसकी बीमारी के बारे में पूछ लो, आप उससे उसके मतलब थोड़ी हेल्थ के बारे में बता दो, आप उसको थोड़ी सी एडवाइस करते रहो, उतने में आपको वेन फील हो जाएगी, निडल लगा इतना सैंपल निकाल लिया हमने। आप अगर इस चीज़ को नहीं करोगे तो पेशेंट क्या होगा, अगर मान लो कोई पर्सन है, अगर वो 5 मिनट तक एक ही पोजीशन में बैठा रहे और वो आपको देखता रहे तो कैसा फील होगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वेन के बारे में बता रहा था। तो हमारी जो मोस्ट कॉमन वेन होती है वो मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है, और बेसिलिक वेन और सिफेलिक वेन, इनसे ही हम सैंपल लेते हैं। जब हमारे यहाँ पर अगर हमें सैंपल नहीं मिलता है तो फर्दर हम यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं और पैर में भी ट्राई कर लेते हैं, जहाँ पर हमें वेन अच्छे से फील होगी हम प्रिक वहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा दोस्तों, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी नीडी पर्सन है उसको इस वीडियो को जरूर भेजिएगा, क्योंकि कोई भी फ्लेबोटॉमी अगर किसी के पास जाता है तो वो धैर्य से काम करे, ठीक है ना। किसी को अनवांटेड मतलब पेन उनको देना एक मतलब गलत बात है। देखिए हमारा जो प्रोफेशन है, वैसे जो पेशेंट है वो परेशान है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी और जो नीडी पर्सन है उसको भी।
ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।